टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन सबमरीन का मलबा 6 दिन बाद बुधवार को मिल गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने सबमरीन के मलबे में मानव अवशेष मिलने की जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी ईपी के मुताबिक इन अवशेषों को मेडिकल टीम के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। बीते बुधवार को टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने अटलांटिक महासागर में गई टाइटन सबमरीन के मलबे को बाहर निकाल लिया गया। इसे कई टुकड़ों में कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट पर लाया गया। 18 जून को ये सबमरीन अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे गई थी, उसके बाद लापता हो गई। 4 दिन बाद 22 जून को इसका मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला। इसमें 4 टूरिस्ट और एक पायलट सवार था। जांच के बाद विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि यह हादसा विस्फोट की वजह से हो सकता है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यूएस कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने सबमरीन के मलबे में मानव अवशेष मिलने की बात कही है। इन अवशेषों को मेडिकल टीम के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। बीबीसी के मुताबिक पनडुब्बी के मलबे में लैंडिंग फ्रेम, रियर कवर सहित 5 हिस्से बरामद किए गए हैं। कोस्ट गार्ड ने बताया कि पनडुब्बी का काफी सारा मलबा भी टाइटैनिक जहाज के पास है, उसे भी जल्द ही निकालने की कोशिश की जाएगी। पनडुब्बी के मलबे की फॉरेंसिक जांच कर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसमें विस्फोट क्यों हुआ था। टाइटन पनडुब्बी के आखिरी पलों के बारे में जानकर आपको डर लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टाइटन पनडुब्बी के आखिरी पलों के बारे में जानकर क्या आपको डर लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राजनीति और राजनीति गलियारों की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।